लेकिन सीधे आपको अब तस्वीर हम दिखा रहे हैं दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड से, जहां पर एनसीसी कैडेट्स के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर गितेश विनय सिंह डिंगर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसके बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा विंग का ये संयुक्त दस्ता सलामी मंच के सामने से प्रस्थान कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए सुनहरे भविष्य का संकेत देते हुए ये युवा शक्ति एनसीसी के सदस्यों के रूप में हवा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की स्वर लहरियां गूंजती हुई। बहुत ही आकर्षक नैना भयाम दृश्य इस प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का, आयोजन स्थल करियप्पा परेड मैदान। 1953 से हर वर्ष इस रैली का आयोजन हो रहा है और हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस रैली में साहस, अनुशासन, चरित्र निर्माण, देश प्रेम, धर्म निरपेक्षता, आत्मविश्वास, नेतृत्व, सेवा और जोश की भावनाओं का संचार, ये सभी समाहित है एनसीसी रैली में। तो अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि ये देश की आने वाली वो पीढ़ी है जो देश की सुरक्षा की बागडोर अपने हाथ में संभालेगी। और उनके हाथ में जब तिरंगा और साथ ही साथ उनको आप जब देखते हैं कि एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं ये बहुत ही मेहनत के साथ ये परेड की तैयारी करते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत कठोर रहती है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एनसीसी के कैडेट रह चुके हैं और जब वो झांसी गए थे तो उन्होंने सदस्यता ली थी, क्योंकि एक जो हम कह सकते हैं अलमनी तैयार हुआ है जिसमें पूर्व छात्र तमाम जो एनसीसी के सदस्य रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता ली और उम्मीद की जा रही है कि इस संगठन को आगे और बढ़ाया जाएगा। The army flag is borne by Sergeant Sunu Thapa on the horse Tehzeeb, under Officer Himanshu mounted on Gandharv carrying the naval flag, and Sergeant Sumit Ambavat mounted on Varun with the Air Force flag. और हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, आज का जो ये खास सेरेमनी है और जो परेड है किन लिहाजों से अलग भी है और महत्वपूर्ण भी है? जो अश्वारोही दल इस समय अमिताभ जनरल करियप्पा का बर्थडे है और उसी के उपलक्ष्य में इस समय करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो परेड है उसको उसके ठीक सामने हैं और कुल मिला के एनसीसी की 17 डायरेक्टरेट और 173 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में और कोस्टल लाइन एरियाज में इस समय एनसीसी कैडेट है और वही आज इस समय सलामी मंच के ठीक सामने से अपने सीनियर कैडेट यानी जिनकी एलुमनाई के तौर पर सदस्यता नंबर 1 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनकी सदस्यता नंबर 2 है, वो सभी आज इस परेड के ठीक सामने इसको देख रहे हैं। और इस समय जो अलग अलग डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के वो उनका दस्ता इस समय प्रधानमंत्री के मंच के ठीक सामने से जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को बोलते आए हैं कि HADR हो या फिर पैंडेमिक या फिर कोविड महामारी के समय भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एनसीसी कैडेट्स की ये भूमिका थी लोगों तक पहुंचना, लोगों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द एनसीसी इज डूइंग। अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ते हुए मार्चिंग दस्ते, सबसे पहले बारी थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की और इसके बाद महाराष्ट्र का दस्ता। नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनायक नेकनावारे और प्लकार्ड लेकर आगे चलते हुए सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सालुंखे। इंडिया!
तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार डायरेक्टरेट ब्लैक बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर मणिमारन लेड बाय सीनियर अंडर ऑफिसर सत्य अभिनव Northeast Region Directorate led by Senior Under Officer Umar Khan and placard bearer is Under Officer Talli उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दस्ते के ठीक पीछे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर रुपिंदर कुमार चौहान के नेतृत्व में प्लकार्ड संभाला हुआ है सीनियर अंडर ऑफिसर हर्ष प्रताप सिंह ने रग रग में उत्साह का संचार करते हुए ये उत्साही एनसीसी कैडेट्स जिनके चेहरों पर तेज चमक और साहस साफ पढ़ा जा सकता है देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम का अलख जगाने वाले ये कैडेट्स इस समय हिस्सा बन रहे हैं प्रधानमंत्री एनसीसी रैली का मार्चिंग कंटिंजेंट की श्रृंखला में अगला दस्ता बिहार और झारखंड से सीनियर अंडर ऑफिसर मनीष मिश्रा के नेतृत्व में प्लकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज प्रसाद These are moments of great pride for these NCC cadets as we see the Directorate of Kerala in Lakshadweep led by Senior Under Officer Akash Ji. Placard bearer is Senior Under Officer Srinivas Kamat and definitely moments of nostalgia for former cadets including the Honorable Prime Minister of India who was once a cadet himself. Karnataka and Goa Directorate led by Senior Under Officer Pramila Kangwar and the placard bearer is Chaitra S. Directorate of West Bengal and Sikkim led by Senior Under Officer Shubhankar Bhattacharji and the ward marker or the placard bearer is Cadet Sanjog Tamang. एक के बाद एक सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए मार्चिंग कंटिंजेंट जिसमें अगली कड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मार्चिंग दस्ता नेतृत्व अंडर ऑफिसर हर्षित रघुवंशी कर रहे हैं प्लकार्ड समारा है सीनियर अंडर ऑफिसर गजेंद्र चौधरी अगला मार्चिंग दस्ता सुदूर उत्तर से आता है देश की सीमाओं के प्रहरी और ये युवा सैन्य शक्ति जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर निखिल सैनी के नेतृत्व में प्लकार्ड बेयरर हैं जूनियर अंडर ऑफिसर मीर फिरदौस और अब उत्तराखंड सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लकार्ड संभाल रखा है सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बगीला ने Thank you.
उत्तराखंड डायरेक्टरेट लेड बाय सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन राणा एंड सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश बकीला फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट सीनियर अंडर ऑफिसर उदय वीर रघुवंशी लीडिंग एंड द ब्लैक कार्ड बेरर इज मर्दुल शर्मा. सलामी मंच के सामने गुजरात और दादरा नगर हवेली का मार्चिंग कंटिंजेंट सीनियर अंडर ऑफिसर कृष गोधानी के नेतृत्व में प्लाकार्ड लेकर आगे चल रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर रोहित दिगीश कुमार. उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ और अब बारी दिल्ली की. मेजबान होने के साथ साथ एक बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मार्चिंग कंटिंजेंट जूनियर अंडर ऑफिसर प्रियावंश के नेतृत्व में प्लाकार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर वरुण शर्मा ने. A girl cadet of the NCC once said, "When I look at the stars, I wonder which of those are meant for my shoulders." As we see the Rajasthan Directorate approaching the dais, led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore and the placard bearer, Cadet Megha Bhatti. These are the best of the best of the NCC cadets from all the 17 directorates in India. The Odisha Directorate, led by Senior Under Officer Sachin Katalil, the placard bearer, Soumya Ranjan Medangi. The accompanying band is of the combined military band led by Naib Subedar Gurmeet Singh as they play the tune Kadam Kadam Badhai Ja. कंबाइंड बैंड समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ. एकता और अनुशासन एनसीसी का ब्रह्म वाक्य कहा जा सकता है. हमारे भविष्य की तस्वीर इन 12 o'clock, 3 o'clock and 9 o'clock directions, virtually an all-round defense, as it were. To speed up the process of slithering, the ground has been secured by these cadets. राष्ट्रीय कैडेट कोर जो देश के अन्य सेवाओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की मुख्यतः फीडर ऑर्गेनाइजेशन सैन्य प्रक्रियाओं से भरपूर कई कैंपों द्वारा फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट आदि अनेक सैन्य विधाओं में कैडेटों को पारंगत करता है, जिसका आप प्रदर्शन अभी सामने देख रहे हैं. सैन्य कर्तव्य यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार क्रमवार एनसीसी कैडेटों ने सीख लिया है सैन्य जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराते. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर.